अक्सर देखा गया है कि जो भी एग्जामिनेशंस होते हैं, गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उनमें करंट अफेयर से रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी पंत और आप देख रहे हैं द हिंदू जोन। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीएससी एग्जामिनेशन कैलेंडर 2025 रिलीज हो चुका है, जिसके लिए एस्पिरेंट्स ने तैयारियां करनी शुरू कर दी हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे यूपीएससी सीएससी यानी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में। आज की वीडियो बेहद ही खास होने वाली है, तो अंत तक हमारे साथ बने रहें। सबसे पहले हम उन टॉपिक्स पर नज़र दौड़ाते हैं जिनको आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन 2025 के अंडर इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि क्या इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं नोटिफिकेशन से रिलेटेड या फिर एप्लीकेशन रिसिप्ट से रिलेटेड। इसके साथ ही कंपैरिजन करेंगे हम प्रीवियस ईयर की जो एग्जामिनेशन डेट्स थी और इस ईयर की जो एग्जामिनेशन डेट्स हैं उनका कंपैरिजन करेंगे कि क्या उन डेट्स में कुछ चेंजेस आए हैं, और अगर उन डेट्स में कुछ चेंजेस आए हैं तो उनकी एस्पिरेंट्स की तैयारी पर उनका क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके साथ ही इफ़ेक्टिव स्ट्रैटेजीज जिनको ध्यान में रखते हुए एस्पिरेंट्स जो है एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, इस पर हम ध्यान देंगे। तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2025 के अंडर सिविल सर्विस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन डेट ऑफ नोटिफिकेशन रहेगी इसकी 22 जनवरी 2025। लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन यानी आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 11 फरवरी 2025 रहेगी। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ एग्ज़ाम यानी जिस दिन एग्ज़ाम हेल्ड होगा वो रहेगी 25 मई 2025, यानी संडे के दिन एस्पिरेंट्स की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए तिथि तय की गई है। एक दिन का रहेगा इसका ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम। अब हम बात करते हैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के प्रीलिम्स की, जिसकी डेट ऑफ नोटिफिकेशन 22 जनवरी 2025, लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन 11 फरवरी 2025 और डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ एग्ज़ाम 25 मई 2025 संडे के दिन, यानी प्रीलिम्स की डेट सेम है। अब हम बात करेंगे मेंस एग्जामिनेशन 2025 के डेट शेड्यूल की। तो इसमें सिविल सर्विस मेंस एग्जामिनेशन 2025 में मेंस की डेट ऑफ कमेंसमेंट है 22 अगस्त 2025, फ्राइडे को एग्ज़ाम हेल्ड होगा। इसकी ड्यूरेशन जो है वो 5 दिनों की रहेगी। इसी के साथ इंडियन फॉरेस्ट सर्विस मेंस एग्जामिनेशन 2025 में डेट ऑफ कमेंसमेंट रखी गई है 16 नवंबर 2025, जिस दिन संडे है, और इसमें एग्ज़ाम की जो ड्यूरेशन है, अवधि है, वो 7 दिनों की रखी गई है। तो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं विद्यार्थियों की सहूलियत को ध्यान में रखकर जो शेड्यूल है वो फ्राइडे और संडे को ही हेल्ड किया गया है। अब हम देखते हैं कंपैरिजन प्रीवियस ईयर के जो एग्ज़ामिनेशन कैलेंडर है और जो इस साल का प्रेजेंट ईयर का एग्ज़ामिनेशन कैलेंडर है, उसका कंपैरिजन करते हैं। तो डेट ऑफ एग्ज़ाम प्रीलिम्स में डेट ऑफ एग्ज़ाम जो है पिछले साल 26 मई 2024 था और इस साल 25 मई 2025 है। एक ही दिन का अंतर है तो इससे बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा एस्पिरेंट्स की तैयारी पर। तो एग्ज़ाम विल बी हेल्ड ऑन टाइम, एग्ज़ाम जो है वो टाइम पर होगा। डेट ऑफ नोटिफिकेशन जो रहेगी इसकी लास्ट ईयर थी 14 फरवरी 2024 और इस साल 22 जनवरी 2025, यानी इसमें अप्रॉक्सीमेटली 22 दिनों का अंतर है। अब हम देखते हैं मेंस की डेट। पिछले साल मेंस की जो डेट थी वो 20 सितंबर 2024 थी, लेकिन इस साल जो मेंस की डेट है वो 22 अगस्त 2025 है, यानी कि एक महीना पहले लगभग एग्ज़ाम हेल्ड होने वाला है। तो ये बहुत ज़रूरी है और ये एस्पिरेंट्स को ध्यान में रखना है कि एक महीने पहले जो एग्ज़ाम होने वाला है उनको उसकी तैयारी भी महत्वपूर्ण रणनीतियों को ध्यान में रखकर करनी होगी। समय कम है तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है टाइम मैनेजमेंट। एस्पिरेंट्स को जो मेंस का एग्ज़ाम है जो कंडक्ट होने वाला है एक महीने पहले, उसके लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करना होगा। उन्हें अपने हर सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देना होगा और एक बैलेंस टाइम टेबल बना के चलना होगा। मेंस और ऑप्शनल दोनों की ही तैयारी उन्हें अभी से करनी शुरू करनी होगी। प्रीलिम्स का रिजल्ट जो है वो भी पहले आएगा, क्योंकि प्रीलिम्स जो है वो पहले होने वाला है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। और एस्पिरेंट्स शुड ऑल्सो स्टार्ट प्रिपरेशन ऑफ इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन फ्रॉम नाउ। अब हम देखते हैं टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट कितना ज़रूरी होता है एक एस्पिरेंट की लाइफ में, उस पर हम नज़र दौड़ाते हैं। तो स्पीकिंग अबाउट टाइम मैनेजमेंट टिप्स, हिमांशु पोसवाल
जो एक जाने माने फॉर्मर यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, उनके अनुसार हम देखते हैं कि टाइम मैनेजमेंट के लिए हमें सबसे पहले अपने स्लीपिंग साइकिल पे ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर हम नियमित नींद लेंगे, अगर हम नियमित घंटे की नींद लेंगे, तभी हम फिजिकल के साथ साथ मेंटल तरीके से भी मेंटली प्रिपेयर रहेंगे, मेंटली हेल्दी रहेंगे, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही फोकस ऑन रिविजन, आपको रिविजन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम पढ़ते चले जाते हैं और पीछे पीछे के पॉइंट्स भूल जाते हैं, तो हमें इस बात पे बहुत गौर से ध्यान देना होगा कि हम रिविजन करें हर एक टॉपिक की, हर एक सब्जेक्ट की, जिससे कि हमारी जो है बेटर अंडरस्टैंडिंग बने। इसके साथ ही डेडिकेटेड एडिक्वेट टाइम टू एवरी आंसर एंड स्किप राइटिंग मोर फॉर द टॉपिक्स, हमें उतना ही समय एक टॉपिक को देना है, एक आंसर को देना है जितनी रिक्वायरमेंट है, हमें ज़्यादा टाइम उस पर वेस्ट नहीं करना है। अब हम देखते हैं इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजीज, क्या वो रणनीतियाँ हो सकती है जिनको ध्यान में रखकर कोई भी एस्पिरेंट क्रैक कर सकता है एग्ज़ाम। सबसे पहले अंडरस्टैंड एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस, आपको सिलेबस को और एग्ज़ाम पैटर्न को बहुत ही बारीकी से समझना होगा, क्योंकि इसी को ध्यान में रखकर हम एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। दूसरा है मेक अ बैलेंस्ड टाइम टेबल, हमें अपना टाइम टेबल बहुत ज़्यादा बैलेंस बनाना होगा। अगर हम अपनी पढ़ाई को 8 घंटे देते हैं तो हमें अपनी नींद का भी उतना ही ज़्यादा ध्यान रखना होगा, ताकि हम स्वस्थ रहें मानसिक रूप से भी। अंडरस्टैंड डेली करंट अफेयर्स, अक्सर देखा गया है कि जो भी एग्जामिनेशंस होते हैं, गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उनमें करंट अफेयर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि देश में या फिर विदेशों में नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर जो हाल फिलहाल में चल रहे मुद्दे होते हैं, उन पर कितनी ज़्यादा अच्छी पकड़ है एस्पिरेंट्स की, ये देखा जाता है, तो आपको डेली करंट अफेयर पर भी ध्यान देना होगा। इसके साथ ही सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर है, अगर आप उनको सॉल्व करेंगे तो उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी, आपको राइटिंग पैटर्न समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस लिखने हैं, किस तरीके से आपको कितना टाइम किस क्वेश्चन को देना है। रिवाइज एवरीडे, जैसा कि मैंने कहा कि आपको हर एक टॉपिक को हर दिन रिवाइज करना है, जिससे आपकी रिविजन भी होती चली जाए और साथ ही साथ आप हर दिन नया टॉपिक भी सीखें। इसके साथ ही पिक ऑप्शनल सब्जेक्ट वाइसली, आप जब अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट का चुनाव करेंगे तो वो आपको बहुत ही ध्यान से करना होगा, क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट से भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है हमारे मार्क्स पर। इसके साथ ही मेक कंसिस्टेंसी इन योर शेड्यूल, आपको एक स्थिरता बनाए रखनी होगी अपने शेड्यूल पर। और लास्ट डू ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस, आपको ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस करनी होगी डेली, इससे आपका जो है आपके जो शब्दकोश हैं उसमें नए नए शब्दों की वृद्धि होगी, साथ ही आपकी एक अच्छी वोकैबुलरी, एक अच्छी डिक्शनरी बनेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, इसी तरह की एजुकेशन से रिलेटेड जानकारी जानने के लिए द हिंदू जोन चैनल के साथ बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।